हेलो एवरीवन वेलकम टू रविद्यती क्लासेस तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है फ्रेंड्स सीडीएस अनिल चौहान तो ये रिसेंटली अभी सीडीएस ऑफ इंडिया बने हैं अनिल चौहान तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीडीएस ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं और साथ ही जितने भी हमारे डिफेंस हेड्स हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ न्यू सी यानी कि भारत के नए सी कौन बने करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिल चौहान तो अनिल चौहान फ्रेंड्स भारत के नए सी हैं ये या आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स अपॉइंट किया है रिटायर्ड लेफ्टिनेट जनरल अनिल चौहान को एज ए न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सी और फ्रेंड्स एनो you know, ये दूसरे नंबर के सी हैं भारत के आफ्टर विपिन रावत और अनिल चौहान ने फ्रेंड्स सर्व किया है आर्मी में फॉर फोर्टी ईयर्स और रिटायर हुए थे लास्ट ईयर ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच नंबर सी डी एस ऑफ इंडिया हैज बिन मेड अनिल चौहान यानी कि अनिल चौहान भारत के कौन से नंबर के सी बने हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेकेंड तो दूसरे नंबर के ये सी हैं भारत के ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट सी डी एस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पहले सी डी एस कौन थे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विपिन रावत तो विपिन रावत भारत के पहले सी डी एस थे ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब आपको समझा देता हूँ तो फ्रेंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया था कि हम एक क्रिएट करेंगे पोस्ट को जिसका नाम होगा सी यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एक डिपार्टमेंट भी बनाएंगे जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और वो एक तरह का पाँचवां डिपार्टमेंट होगा इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये भी आपको याद रखना है और फ्रेंड्स ये जो सी पोस्ट है तो सी एक फोर स्टार जनरल या फिर ऑफिसर होगा जो कि एक्ट करेगा एज ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर यानी कि जितने भी अफेयर्स होंगे थ्री मिलिट्री सर्विसेज लाइक आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स जितने भी इनके अफेयर्स होंगे ये उनको उनके ऊपर एडवाइस करेगा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को तो ये बात आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सी यानी कि सी का पूर्ण रूप क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टेन ऑफ सीडीएस यानी कि सीडीएस का कार्यकाल कितना होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूटेबल बोथ यानी कि थ्री इयर्स और अप टू द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब आपको समझाता हूँ तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आर्मी चीफ जो है वो होल्ड करेंगे अपना ऑफिस मैक्सिमम ऑफ सिक्सटी टू के लिए या फिर थ्री ईयर्स के लिए जो भी पहले हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द पोस्ट ऑफ सी डी एस फॉर्मड इन इंडिया यानी कि भारत में सी डी एस पद का गठन कब हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी को तो ये डेट आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द हाइएस्ट रैंक्ड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी कौन होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी एस तो सी डी एस फ्रेंड्स इंडियन आर्मी में हाइएस्ट रैंक्ड ऑफिसर पोस्ट है ये या आपको याद रखना है हमें आपको सी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ सी का पहले फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये आपको याद रखना है तो फ्रेंड्स जनवरी फर्स्ट 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था कि हम एक आर्मी में नया पोस्ट बनाएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सी और उसके बाद उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाने की भी घोषणा की थी जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और ये डिपार्टमेंट पाँचवां डिपार्टमेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तो ये आपको याद रखना है और इसी के कारण जनरल विपिन रावत को अपॉइंट किया गया था एज ए पहले सी ऑफ इंडिया तो ये आपको याद रखना है और फ्रेंड्स जो सी होता, होता है ये फोर स्टार जनरल होता है या फिर ऑफिसर होगा ये एक्ट करेगा एज ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जितने भी अफेयर्स होंगे फ्रेंड्स हमारे आर्मी नेवी इंडियन एयरफोर्स उनके रिलेटेड एडवाइस करेगा ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को तो फ्रेंड्स 2012 में क्या हुआ था कि नरेश चंद्र कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक हमें परमानेंट चेयरमैन चाहिए जो कि स्टाफ कमेटी का होना चाहिए तो उन्होंने रिकमेंड किया था नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंट सी डी एस यानी कि सी डी एस की, की नियुक्ति कौन करते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए सीडीएस यानी कि सी डी एस बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्सटी टू ईयर्स तो ये आपको याद रखना है मैं आपको सी डी एस अनिल चौहान के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं वेन वॉज सी डी एस अनिल चौहान बॉर्न यानी कि सी डी एस अनिल चौहान का जन्म कब हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मई 18, 1961 को तो ये डेट आपको याद रखनी है कि मई 18, 1961 को अनिल चौहान का जन्म हुआ था इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब आपको बताता हूँ तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म एटीन ऑफ मई नाइनटीन को पौड़ी उत्तराखंड में हुआ था और इनकी वाइफ का नाम अनुपमा चौहान है और इनकी एक डॉटर भी है जिनका नाम है प्रज्ञा चौहान ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमने टेलीग्राम पर इसी चैनल के नाम पर रविदिती क्लासेस के नाम पर हमने एक ग्रुप बना रखा है जहाँ पर हम आपको डेली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिल सके और उसी वीडियो का हम आपको डेली फ्री में पी भी प्रोवाइड करवाते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अब मैं आपको जितने भी आर्मी चीफ्स हैं इंडिया के उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता दे हूँ फ्रेंड्स डिफेंस सेक्टर के जितने भी हेड्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज पांडे तो ये आपको याद रखना है अब मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसकी स्टैब्लिशमेंट फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1895 को ही है हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इंडियन आर्मी डे हम फिफ्टीन ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर हरि कुमार तो ये आपको याद रखना है अब मैं आपको इंडियन नेवी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ हेडकोार्टर है इंडियन नेवी का न्यू दिल्ली में नेवी डे हम फोर्थ ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं आर हरी कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चनिरा बंसी पोनापा तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी एस राजू ने क्वेश्चन हुआ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन दैट इज डीजीएमओ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज कुमार कटिहार डीजीएमओ का फुलफॉर्म फ्रेंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हुम द ट्वेंटी फोर्थ डी जी दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया तो वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संजीव कपूर आपको याद रखना है हम आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं इसे फाउंड किया गया है फ्रेंड्स एट्थ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन थर्टी टू को हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एयरफोर्स डे हम एट ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं संदीप सिंह न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल दैट इज एस एस पी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एस एस एल था एस एल थायुसेन फ्रेंड्स सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं

डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दैट इज सी बी आई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल तो सुबोध कुमार जायसवाल सी बी आई के नए डी जी हैं ये आपको याद रखना है सी बी आई का परफॉर्म फ्रेंस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसे फाउंड किया गया है फर्स्ट ऑफ अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी थ्री को हेडक्वाटर है इसका न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज बी एस एफ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह तो पंकज कुमार सिंह बी के नए डी हैं ये आपको याद रखना है बी एस एफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसे फाउंड किया गया था फर्स्ट ऑफ दिसंबर 1965 को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दैट इज सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कुलदीप सिंह तो कुलदीप सिंह फ्रेंड्स न्यू डीजी हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के सीआरपीएफ का फुल फॉर्म फ्रेंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स

हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एन सी बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सत्यनारायण प्रधान तो सत्यनारायण प्रधान फ्रेंड्स एन सी बी के नए डी जी हैं ये आपको याद रखना है एन सी बी का परफॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फाउंड किया गया है इसे सेवनटीन ऑफ मार्च नाइनटीन एटी सिक्स में हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है डी जी हैं इसके सत्यनारायण प्रधान ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दैट इज एन डी आर एफ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अतुल करवाल तो अतुल करवाल फ्रेंड्स न्यू डीजी हैं एनडीआरएफ के एनडीआरएफ का फुल फॉर्म फ्रेंड्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फाउंड किया गया है इसे नाइनटीन ऑफ जनवरी टू में हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है डी हैं इसके अतुल करवाल और एन का मोटो है फ्रेंड्स डिजास्टर सर्विस ऑलवेज नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज CISF. आई एस एफ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी शीलवर्धन सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स दैट इज एनसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गुरबीर पाल सिंह तो गुरबीर पाल सिंह फ्रेंड्स नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए डी जी हैं ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बी आर ओ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजीव चौधरी तो राजीव चौधरी फ्रेंड्स न्यू डीजी हैं बी के बी आर ओ का फुलफॉर्म फ्रेंड्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया है इसे सेवंथ ऑफ मई 1960 को इसका न्यू दिल्ली में डीजी हैं इसके राजीव चौधरी नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज डी आई ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जी एवी रेड्डी तो जी ए वी रेड्डी फ्रेंड्स न्यू चीफ हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरोज आई बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तपन कुमार डेका तो तपन कुमार डेका फ्रेंड्स आई बी के नए डायरेक्टर हैं ये आपको याद रखना है आई बी का फुलफर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो फाउंड किया गया है इसे एटीन एटी सेवन में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन हुज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन आई ए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए

मनोज कुमार मागो तो मनोज कुमार मागो फ्रेंड्स न्यू चीफ हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज के नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इन 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अजीत डोबाल तो अजीत डोबाल फ्रेंड्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के ये आपको याद रखना है हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विवेक गोगिया तो विवेक गोगिया फ्रेंड्स न्यू डायरेक्टर हैं एन के ये आपको याद रखना है तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके लिए टेस्ट का एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन लिख के उसके सामने सही आंसर तो क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया योर ऑप्शन सर तो ये था फ्रेंड्स टेस्ट पार्ट अब आपको एक बार फिर इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स कि हमने टेलीग्राम पर इसी चैनल के नाम पर एक ग्रुप बना रखा है रवि रविद्वितीय क्लासेस के नाम पर जहाँ पर हम आपको डेली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवाते हैं और उसी वीडियो का हम आपको फ्री में पी भी प्रोवाइड करवाते हैं तो आप इसे जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए चैनल को तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सी डी एस ऑफ इंडिया अनिल चौहान के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा दिया और साथ ही जितने भी डिफेंस के हेड्स हैं उनके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी तो आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट